हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड के एग्ज़ाम वर्क के बारे में, ठीक है। एंड आगे हमने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के एग्ज़ाम वर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन दिखे हुए हैं, तो वो वन बाय वन हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल का, तो एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह 16 मीटर कवर कर रहा है इन 4 सेकेंड, एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और जो दूसरी 16 मीटर है वह भी कौन कितने टाइम में कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, तो ये क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो अब ये जो फाइंड करना है, तो उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने पढ़ लिया है आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें टाइम भी दिख रहा है और डिस्टेंस भी जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर हो रहा है वह भी हमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो चलो उसे फिगर की तरह मेंशन करते हैं कि मान लो कि कोई एक ए पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उस ए टू बी का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 16 मीटर, यानी कि जो उसकी फर्स्ट जो जर्नी है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए से लेकर बी, तो वह 16 मीटर, और उसके लिए कितना टाइम उसने किया लगाया, तो 4 सेकेंड लगाई, ठीक है। और अदर 16 मीटर वह कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो 2 सेकेंड में। तो हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, तो उसके लिए जो डिस्टेंस था वह कितना है, तो वह भी 16 मीटर है, और उसके लिए उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगा वह कितना लगा, तो वो लगा 2 सेकेंड, ओके। तो हमें इस तरह यहाँ पर दो डिस्टेंस दिए गए हैं और उन दोनों का जो टाइम है वह भी दिया हुआ है। तो हम इन दोनों ये जो 4 वैल्यू है उसका हम सम, यानी कि वो हमारे एग्जाम्पल फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ये कैसे करना है वह देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो डिस्टेंस है और दो टाइम है, तो उन्हें हम अलग से सिंबॉलिक कर देते हैं कि ये फर्स्ट जो ए से बी का है उसे हम S1 ले लेते हैं, बी टू सी का है उसे हम क्या ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, और जो ए से बी का जो टाइम लग रहा है उसे हम T1 ले लेते हैं, ठीक है। और T2 = 2 सेकेंड, क्या हो गया ये, T2 = 2 सेकेंड, यानी कि B से C का टाइम कौन सा, T2, ओके। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं, ओके। तो S1 is equal to कितना दिया है, 16 मीटर, उसके लिए टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने, तो 4 सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह S2, तो S2 कितना है, तो वह भी 16 मीटर है, एंड T2 कितना है, उसके लिए कितना लगा, तो 2 सेकेंड लगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड, उसका सिंबल क्या था, तो वी ए वी करके हम दिखाते थे, और वह हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है वह हमने मेंशन कर दिया है, ओके। अब हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एवरेज स्पीड यानी बी ए वी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस यानी कि वह डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस है उसका क्या करना पड़ेगा, एडिशन सम करना पड़ेगा, तो कितने डिस्टेंस है, 2 है, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन यानी कि S1 प्लस
ठीक है। इसके बाद टोटल टाइम क्या है, तो वह भी दो दिए हैं, तो दोनों का सम तो T1 प्लस T2, ठीक है। अब हर एक वैल्यू पुट कर देते हैं, तो S1 इज इक्वल टू 16 है, S2 इज इक्वल टू ऑल्सो 16, ठीक है। T1 कितना है 4 सेकेंड, T2 कितना है 2 सेकेंड। चलो इसका एडिशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा 32/6। तो 32/6 का क्या डिवीजन आएगा, तो वह भी देख लेते हैं। 32/6, तो 6 यानी कि 6 5 30 हो जाएगा, एंड यहां पर आएगा 2, अब नहीं तो 0.0, तो 6 3 18, 2 0, तो फिर से 6 3 18, फिर से 2, तो ये क्या होता रहेगा यहाँ पर 3 3, इस तरह से यूनिट आता रहेगा, ठीक है। तो अब इसे लिखना किस तरह से, तो दो वैल्यू ही हम उस पॉइंट के बाद वाले पुट करेंगे यानी कि लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे, जब इस तरह की वैल्यू आए पॉइंट वाली, तो उसके दो डिजिट वाली लिखनी है पॉइंट के बाद, तो 5.33, ठीक है। तो इसका अब यूनिट क्या होगा, तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस और टाइम का यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड है, तो अब इसके ऊपर से एवरेज स्पीड का क्या बनेगा, तो मीटर पर सेकेंड बनेगा, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये किसका वैल्यू मिला हमें, एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो ये एग्जांपल में एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या किया, तो पहले तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के ऊपर से देखना है कि कौन किस टाइप की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस यानी कि दो डिस्टेंस दिए गए थे और उसी के अकॉर्डिंग दो टाइम दिए गए हैं, ठीक है। तो वो फिर हमें क्या करना है, 1 by 1 फॉर्मूला लिख कर पुट कर देना है, और जो आंसर आता है वह हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीडिंग्स यानी कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। तो ये ऑडोमीटर क्या है पहले, तो ऑडोमीटर एक क्या है, तो डिस्टेंस मेजर करता हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल में लगाया जाता है, ठीक है। तो जब वो कार अपनी ट्रिप की जो जर्नी स्टार्ट करती है, ठीक है, उस वक्त वो उनकी इनिशियल पोजीशन पर कार की जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी वह कितनी थी, तो 2000 किलोमीटर थी, ठीक है। और फिर एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, तो जहां पर उनकी ट्रिप एंड होती है वहां पर ऑडोमीटर का रीडिंग बन जाता है 2400 किलोमीटर। तो अब इसका जो डिस्टेंस कवर किया हुआ वो क्या हुआ, क्या वो 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है या फिर कुछ और डिस्टेंस कवर किया है, तो वह हम देखते हैं पहले। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं जो क्या बन जाएगा इसका स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पोजीशन, ये क्या बन जाएगा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब ये इनिशियल पोजीशन से कार अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ट्रिप स्टार्ट कर रहा है, और कोई बी पॉइंट पर वह फिनिश कर रहा है, तो वह बी पॉइंट क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। अब उस वक्त जब इनिशियल पोजीशन पर कार की जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी वह कितनी थी, तो वह थी 2000 किलोमीटर, यानी कि कार ने पहले से 2000 किलोमीटर कवर कर लिए है। अब फिर से कोई एक इनिशियल पोजीशन से वह अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ओके। तो वहां पर कार का रीडिंग था ऑडोमीटर का वह कितना दिया गया है हमें, 2000 किलोमीटर, और जब उसका फिनिश होता है एंड ट्रिप, तो वहां पे कितना रीडिंग बताता है वो ऑडोमीटर, तो 2400 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा,
कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो इसे लेकर बी तक का, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो 2400 किलोमीटर है उसे माइनस करना पड़ेगा 2000 से, ठीक है। यानी कि इसका जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है वह 2400 बोला जाएगा नहीं, ओके। तो चलो वह देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वह हो जाएगा 2400 माइनस 2000, ठीक है, और आंसर क्या आएगा 400 किलोमीटर, ओके। तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। अब इसके लिए कुछ टाइम भी लगा हुआ है इसका, तो क्या टाइम लग रहा है, इफ द ट्रिप टूक 8 आवर, तो इसके लिए यानी कि 400 किलोमीटर के लिए जो टाइम लगा हुआ कितना है, 8 आवर है, तो वह हो जाएगा उस कार का टोटल टाइम, तो क्या होगा 8 आवर। अब फाइंड क्या करना है, तो वो एवरेज स्पीड ही है, तो कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड ऑफ दी कार इन किलोमीटर इनटू आर इनवर्स या फिर एंड मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि दो स्पीड के, दो एवरेज स्पीड के यूनिट में हमें ये वैल्यू, एवरेज स्पीड की वैल्यू लानी है। फर्स्ट किस में, किलोमीटर पर आर, ठीक है, यानी कि किलोमीटर इनटू आर इनवर्स, इसे दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, किलोमीटर पर आर, और इस मीटर इनटू सेकंड इनवर्स को मीटर पर सेकंड भी बोला जाता है, ओके। तो हम अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड, यानी कि हमें जो वैल्यूज दिए थे वो भी लिख दिए और जो फाइंड करना था वो भी हमें पता चल गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज स्पीड वी ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 400 किलोमीटर, उसके लिए टाइम कितना लगा, 8 आवर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 8 × 5 = 40 और एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आर। क्यों किलोमीटर पर आर, क्योंकि हमने डिस्टेंस और टाइम का यूनिट क्या रखा गया है, अभी किलोमीटर और आर में ही है, तो इसकी वजह से जो एवरेज स्पीड का यूनिट आएगा वह किस में आएगा, किलोमीटर पर आर में। तो ये हमें फर्स्ट एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल गया, और वो कौन से यूनिट में, किलोमीटर पर आर में, किसमें, किलोमीटर पर आर में। अब हम फाइंड करते हैं इसका कन्वर्ट, यानी कि मीटर पर सेकंड में फाइंड करते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 से, ठीक है। आगे हमने देख लिया था कि जब भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5/18, एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में करना हो तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरी तरह आपको याद रखना हो तो ये किलोमीटर का मीटर करना हो तो कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 आवर का सेकंड कितना होगा, तो 3600 होता है। तो आप यहाँ पर इनटू 1000/3600 भी रख सकते हैं, ओके। तो चलो यहाँ इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 × 50 हो जाएगा एंड 9 × 18 हो जाएगा। तो अब 25 × 5 = कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो चलो इसे डिवाइड भी कर देते हैं, तो डिवीजन से आंसर क्या आएगा हमारा, तो 125/9/9, तो क्या होगा, फर्स्ट 9 × 9 = 3, 5, तो
9 3 जा 27, ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहां पर 0 हो जाएगा। अब नहीं से चलेगा तो पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा 0 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, फिर से 8 फिर से 0 तो 9 8 जा 72 फिर से 8, तो ये क्या होता रहेगा चलता ही रहेगा, यानी कि यहां पर इस तरह से 8 कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, तो अब यहां पर ये इस तरह की जब वैल्यू आती तब ये ध्यान रखना है क्या कि जब भी ये पॉइंट के पीछे की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो, ठीक है, क्या बोला मैंने 5 या 5 से बड़ी हो तो क्या कर देना है, जो वैल्यू है उसके अंदर 1 प्लस कर देना है, क्या कर देना है जो वैल्यू पॉइंट के बाद है उसके अंदर क्या करना है हमें प्लस 1 करके लिखना है। तो यहां पर 8 है तो उसका क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9, यानी कि इसे क्या बोला जाएगा हमने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये कंटीन्यूअसली पीछे चल रहा था इसकी वजह से इसे क्या किया राउंड ऑफ कर दिया है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चलो पहले उस तरह से लिखा देते हैं, ये आ रहा है। अब इसे लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा तो 13.9 मीटर पर सेकंड, तो ये हमें एवरेज स्पीड का वैल्यू मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी ये 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू हो तो क्या करना है, वो जो भी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर देना है 1 प्लस कर देना है, और जो 5 से कम है तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ दो डिजिट वो वैल्यू के अंदर रख देने, जैसे कि यहां पर हमने देख लिया ये क्या आ रहा था तो 5.33 थी, तो इसका मतलब ये 5 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या किया फिर हमने सिर्फ दो डिजिट ही रखे, ओके। बट यहां पर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो क्या करेंगे हम एक ऐड कर देंगे यानी कि प्लस 1 कर देंगे, तो इसकी वजह से यहां पर बन गया 13.9, ओके। तो आज हमने देखा ये दो एवरेज स्पीड के एग्जांपल, ठीक है, थैंक यू।